ईद मुबारक एवरीवन। ये तुबा जो है अच्छी अच्छी गाड़ियां नहीं खड़े होते। बस और कोई चॉइस ही तो नहीं है। इस वक्त फजर की अज़ान हो रही है और आज जो है वो ईद उल फितर का पहला दिन है। इससे पहले वाला चांद रात वाला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है वो रेडी होके चले जाएंगे ईद की नमाज़ के लिए करीबी मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो ईद मुबारक तमाम लोगों को, जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना ईद का पहला दिन। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। और अभी हम लोग बस रास्ते में मस्जिद पहुँचने वाले हैं, करीब ही है मस्जिद। ये आ गई मस्जिद हमारी गली के बिल्कुल कॉर्नर पे, ये तो बहुत करीब है और बस अभी नमाज़ स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ यूएई में ज़्यादातर मस्जिदों में जो है वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही अरेंजमेंट हुआ होता है। और ये मेरा का पहला एक्सपीरियंस ईद की नमाज़ का अपने डैडी के साथ। चलें जी, 6:20 हो रहे हैं और ईद की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है, अब बस हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये बच्ची नमाज के बाद जो है वो कितनी खामोशी से बैठी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे लोग जो है वो बाहर हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी वाइब है। और हम लोग जो है वो बस अब घर की तरफ निकल रहे हैं और घर मैंने आपको बताया हमारा करीब ही है, तो बस अब हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे क्योंकि मैं भी पूरी रात की जाग रही हूँ, मिर्हा भी जो है वो उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई हुई, तो बस अभी हम घर पहुँच चुके हैं, जाके हम लोग सो जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने का भी हमारा मूड नहीं है, तो इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे उठने के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं बस अभी सो के उठी हूँ और बहुत ही शॉर्ट टाइम था सोने का, लेकिन आसिम ने मुझे बताया कि अभी हमें जो है ना जाना है एक ईद ब्रंच पे, तो बस अभी हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी रेडी होना है। मुझे मेरा और आयजल को उठाना है, उनको शावर देना है, उनको रेडी करना है, ख़ुद रेडी होना है और उसके बाद जाना है। कुछ पिक्चर्स भी ऑब्वियसली लेनी है ईद की, तो अभी मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ ईद ड्रेसेस और उसके बाद रेडी होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ड्रेसेस देख लेते हैं आज के। इस दफ़ा हमारी जो है वो फैमिली ट्रेनिंग है, तो वी आर डूइंग ग्रे थीम। और ये आसम का ड्रेस, दिस इज़ माय ड्रेस, देन ये मेरे और आयजल का बिल्कुल सेम ड्रेस है, तो वी आर डूइंग ग्रे पैलेट दिस ईद। और मेरे और आयजल का आउटफिट जो है वो ये इनकी नानू ने गिफ्ट किया था जब अब अभी हम पाकिस्तान गए थे। और ये जो है वो मेरी ज्वेलरी है आज की, जो मेरी मदर इन लॉ ने यानी आसिम की अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये मेरे ड्रेस के साथ इतनी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि मैंने सोचा मैं यही पहनती हूँ। एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, स्मॉल स्मॉल स्टड्स हैं इसके साथ, और ये इसका नेकलेस, इसका इसके साथ एक रिंग भी है वो दूसरे रूम में रखी हुई है। सो लेट्स गेट रेडी एंड सी यू गाइज। ओके जनाब, तो मेकअप शेकअप मेरा हो गया है और मैंने डे लाइट के हिसाब से मेकअप करने की कोशिश की है क्योंकि बाहर होगी गर्मी मेरे हिसाब से। ईद मुबारक, ईद मुबारक एवरीबॉडी। ओके गाइस, तो हम हो चुके हैं रेडी। आयजल, दिस इज प्रेजेंटी एंड आई हैव माय नेकलेस एंड माय मेहंदी। Izzy, show your mehndi. So I'll show your mehndi. Oh wow! And mama has her mehndi. See. Finally, हम लोग घर से निकल रहे हैं जाने के लिए। मैं अपनी फुल लुक नहीं दिखा सकी मिरर में, मैंने सोचा था मैं दिखाऊंगी लेकिन टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं वहां जाके आसिम को बोलूंगी कि मेरी फुल लुक दिखाएं। हमारी गाड़ी भी मैचिंग की है आज। अरे सर क्या बात है, कलर तो अच्छा है।
कहते हैं कि मेहंदी का कलर अच्छा आता है तो आपका हस्बैंड आपसे प्यार करता है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है इसीलिए आ गए। उसके पास और कोई चॉइस ही तो नहीं है। सो गाइस हम लोग अभी ब्रंच पे जा रहे हैं, ईद ब्रंच पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसके बावजूद हम ऐसा तैयार हैं। मतलब सोचे हमारी हिम्मत बहुत ज़्यादा भी नहीं है जैसे यहाँ होती है, लेकिन कंपैरेटिवली अभी गर्मी है, काफ़ी धूप है। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी रास्ता दिखाऊंगी तो आपको शायद आइडिया हो वीडियो में। चलें जी हम लोग पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ माय होल लुक। आई होप आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही हो, बस मेरे पास एक यही क्लिप है आई थिंक जो फुल लेंथ में, बाकी अभी बस अंदर चलते हैं और थोड़ा सा लेट तो हम हो गए बट आई थिंक इट्स ओके। चले जी सबसे मुलाकात हो गई है और आयजल के डैडी जो है वो खाना लेने गए हैं, तो आयजल जो है वो उनको आवाज़ें दे रही है। मैं भी चलती हूँ और चेक करते हैं खाने में क्या क्या है। सेंस इट्स अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो उन्होंने ये सारी पाकिस्तान की फेमस प्लेसेस की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। इट लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। और जी ये आ गए हम सबके फेवरेट गुलाब जामुन। बाकी ये सारे दूसरे डिजर्ट्स हैं। आसम की भी जो है वो मैं प्लेट चेक करी हूँ, आसम क्या क्या ले रहे हैं। चलें जी ये हो गया हमारा राउंड वन मेरा और आसम का, ऑल द ड्राई आइटम्स फॉर द राउंड वन। सारी एक्सेसरीज उतर के वन बाय वन मेरे पास आ रही हैं कि मैं संभाल के रख लूँ इसको अपने बैग में। And this is my round two for the Chinese. Pasta भी मैंने try किया but it was not that great. आयजल कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन पकड़ के बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो ले लेके पूरे जो है वो फ्लोर पे घूम रही है। और यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी ग्रुप पिक्चर्स की जो है वो कोशिश हो रही है कि सब एक जगह जमा हो जाएं और एक ग्रुप पिक्चर हो जाए ईद की, तो बस हम लोग जो है वो उसी में लगे हैं। हम लोग फ्री हो चुके हैं ब्रंच से, ब्रंच कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया हमारा। अभी अराउंड आई थिंक 5:30 हो रहे हैं या 6 हो रहे हैं या 5:30 हो रहे हैं, ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। और उसके बाद अभी हमारा प्लान बना है कि अभी हम लोग चाय पे जा रहे हैं, मतलब नॉट अ हाई टी, जस्ट अ कैजुअल चाय, तो हम वहाँ बैठेंगे और चाय पियेंगे और आपको अपने साथ लेके चलते हैं। और यहाँ पे अभी जो है वो पिक्चर्स हो रही हैं, मोस्टली सबकी फैमिली पिक्चर्स चल रही हैं बाहर, क्योंकि ये जो है वो गोल्डन आवर का टाइम है, तो इस टाइम पे बड़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही होती हैं।
और मैं यहाँ पे आ गई हूँ कुछ मिठाई वगैरह लेने के लिए। ईद का टाइम है तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मिठाई लेके चलते हैं। मिरहा आ गई है और मिरहा ये चूज करेगी मिठाई कौन सी लेनी है। गाइस यकीन करें मैं जो हूँ वो इतना टाइम नहीं लगाती, आसिम की बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। देखें मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, मतलब वैसे ही औरतें बदनाम हैं कि वो जो है ना लेट करती हैं, लेकिन आसिम अपने दोस्तों के साथ हो ना, आसिम को उठा के दिखा दें आप, आसिम की बातें ही नहीं ख़त्म होती। You want Api? We are going with Api. We are going okay. with Api. They will go in their car. Api will go in our car. We will meet again. Okay? Okay. Okay. A few inches later. चलिए जी हम लोग आ चुके हैं जी एक लोकल कैफेटेरिया और यहाँ आके हम बैठेंगे, थोड़ी बातें शाते करेंगे, चाय भी आ गई है फाइनली। मौसम अभी यूएई का काफ़ी हद तक बेहतर है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, वरना तो आउटडोर बैठना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए ईद पे लोग जो है वो मोस्टली इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों की यहाँ अपनी पार्टी चल रही है, बड़ों की अपनी पार्टी चल रही है। चलें जी अब काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक वी आर जस्ट वाइंडिंग इट अप, और दो घंटे तो आई थिंक हो चुके हैं हमें, और बस अब हम लोग जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं। वी आर फाइनली हेडिंग टूवर्ड्स होम। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कॉमेंट शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर न्यू है तो। रास्ते में रुक के मैंने मैकडोनल्ड ले लिया है क्योंकि रात में डिनर पर जाने की हिम्मत नहीं है, ना ही कहीं बैठने की हिम्मत है, तो बस टेक अवे कर लिया है। घर पर पहुँच चुके हैं हम लोग, और अभी जो है वो हम लोग एक बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है स्टेकेशन पे। किधर जा रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट व्लॉग मत मिस करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकॉन।